नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ राजन। मेरे तरफ से आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज आप लोगों को सामने एक ज़रूर महत्वपूर्ण बात शेयर करूँगा, वो है इसे का LRA। LRA से टन में कैसे कन्वर्ट करें, ये बहुत लोगों का पता है, और पता जिनको नहीं है उसके लिए ये वीडियो है, तो आप इसे ज़रूर देख सकते हैं आपके फ़ायदे के लिए। तो फ्रेंड्स, बहुत से ऐसे स्टिकर में LRA लिखा होता है, तो हमें इसे कैसे टन में कन्वर्ट करें पता नहीं। अगर इसे के स्टिकर में कोई BTU ना भी दिया गया हो, कम प्रेशर के स्टिकर में ज़रूर LRA दिया होता है, यानी जो कंपनी है उसे उसमें स्टिकर लगा के रखा होता है। तो हमें उन स्टिकर की मदद से कैसे हम उसे LRA को कन्वर्ट करके टन में रुक कर सकते हैं, तो आज हम ये देखेंगे। कुछ लोग है कि घबरा जाते हैं कि भाई इसमें तो कोई BTU नहीं है तो हम क्या करें। तो मैं ज़रूर कहूँगा घबराने की कोई बात नहीं है, तो आप LRA से आसानी से इसका टन को निकल सकते हैं। तो कैसे निकल सकते हैं, तो आइए आगे हम देखते हैं निकलने का क्या तरीका है। तो फ्रेंड्स, अक्सर आपने ध्यान दिया होगा कि जब कंप्रेसर मैकेनिकल हो जाती है तो उसमें 30 एम्पियर 40 एम्पियर लगभग लेकर वो कंप्रेसर बंद हो जाती है, उसके बाद वो टिप करती है, तो इसे हम कहते हैं LRA। इसका एक रेटिंग होता है, उसे कहते हैं LRA। अगर आप इसे सप्लाई अगर दे रखे हैं, AC ऑन है, तो क्या होगा, वो चलने लगेगा, चलने के वजह से इसे जल भी सकता है और कोई दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए कंप्रेसर के अंदर एक ओवरलोड लगा रखा होता है कंपनी ने, तो उसकी मदद से उसका एक रेटिंग है एम्पियर का, जैसे 40 एम्पियर 25 एम्पियर 30 एम्पियर। उस रेटिंग में अगर आर्मेचर लॉक्ड हो गया हो तो वो उस लिमिट तक जाकर कंप्रेसर को बंद कर देगा, तो इसे कहते हैं LRA। LRA का फुल मीनिंग है लॉक्ड रोटर एम्पियर। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम इसे देखते हैं। इसमें 112 LRA लिखा है, तो इसे हम टर्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं और टर्न में कन्वर्ट करने के बाद वो क्या आता है। तो 112 के हम डिवाइड 36 से करेंगे तो इसका टर्न निकल कर आएगा 3.11 टन, तो ये 3 टन का है। तो फ्रेंड, आइए इसे हम देखते हैं। इसका LRA है 70 LRA, तो इसे हम टन में कैसे कन्वर्ट। आजकल गर्मी का मौसम है, हर कोई के पास एक ना एक AC का कंप्रेशर नष्ट होता है, तो आप उसे दिक्कत में पड़ जाते हैं, तो आप दिक्कत छोड़िए, तो इसे देखिए, तो आपका दिक्कत बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो इसका लॉक्ड रोटर एम्पियर है 70 एम्पियर, 70 का हम 36 से डिवाइड करेंगे तो इसका टन निकल कर आएगा 1.944 टन, तो ये 2 टन का कंप्रेसर है, तो आप इसे 2 टन के कंप्रेसर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सिर्फ सिंगल फेज की LRA थे, और 3 फेज की LRA कुछ और है। अगर आप उसे जानना चाहते हैं तो मेरे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मेरे वीडियो को अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और भी लोग इसे देख पाए। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो कैसा लगा तो आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बता सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।